अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अनवार। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़र की तरफ से लिए जाने वाला 3 डिजिट वाला नंबर हमने रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। लेट्स सपोज हमारे पास 3 डिजिट वाला नंबर इनपुट किया जाता है, 2, 3, 4 तीन डिजिट्स हैं। इसका रिवर्स ऑर्डर हमारे पास कुछ 4, 3, 2 की शक्ल में डिस्प्ले करवाना होगा। तो मूव करते हैं हम डेव C++ की मेन स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। मैं इन टाइप डेटा डिक्लेयर करवा देता हूँ यहाँ पे। नंबर के लिए जो 3 डिजिट्स वाला नंबर होगा उसके लिए मैं n वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ। मुझे मज़ीद 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे, a एंड b वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ यहाँ पे। टर्मिनेट कर देंगे सेमी कॉलन से। जो 3 डिजिट्स वाला नंबर हमने यूज़र की तरफ से लेना है उसके लिए सबसे पहले मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे। इंटर 3 डिजिट्स नंबर, टर्मिनेट कर देंगे सेमी कॉलन से। स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, एड्रेस ऑपरेटर n यहाँ पे राइट करूँगा क्योंकि मैंने n वेरिएबल में ये 3 डिजिट्स वाला नंबर जाके स्टोर करवाना है। टर्मिनेट कर दूँगा सेमी कॉलन से। यहाँ पे रिवर्स करने के लिए जो लॉजिक है हमारे पास, a साइनिंग ऑपरेटर, n डिवाइडेड बाई 3 डिजिट्स वाला नंबर है तो मैं 100 के साथ डिवाइड कर दूँगा इसे, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो a में जाके स्टोर होगा। सेम एज इसी तरह n साइनिंग ऑपरेटर, n मॉडुलस 100, तो जो मॉड का रिज़ल्ट होगा या जो रिमाइंडर होगा वो n वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अगेन से हम यही रिपीट करेंगे, b वेरिएबल में जो अब हमने रिज़ल्ट स्टोर करवाना है वो होगा n डिवाइडेड बाई 100, n डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह हमने अगेन से फिर n साइनिंग ऑपरेटर, n रिमाइंडर साइन यूज़ करेंगे और 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। टर्मिनेट कर देंगे सेमी कॉलन से। अब हमने रिवर्स ऑर्डर में इसे शो करवाना है तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज इक्वल टू %d, अगेन से %d एंड देन %d। जिस हिसाब से हमने इसका ऑर्डर रखना है उस हिसाब से हम वेरिएबल को प्लेस कर देंगे। जैसे कि हमारे पास जो लास्ट वेरिएबल है ये सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करूँगा n, अगेन b वेरिएबल राइट कर दूँगा एंड देन a वेरिएबल राइट कर दूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे पास इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। टर्मिनेट कर देंगे सेमी कॉलन से। रिटर्न 0 राइट करूँगा यहाँ पर मैं। रिटर्न 0 फॉर द एग्जिट स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम, टर्मिनेट कर दूंगा सेमी कॉलन से। प्रोग्राम को सेव करता हूँ यहाँ पे। रिवर्स ऑर्डर के नाम से मैं फाइल का नाम रख देता हूँ, एक्सटेंशन सेलेक्ट करता हूँ .c की और प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ यहाँ पे मैं। अब बारी है प्रोग्राम को कंपाइल करने की, F9 की मदद से कंपाइल करता हूँ मैं यहाँ पे। F10 की मदद से अब रन करूँगा तो हमारे पास नंबर है लेट्स सपोज 2, 3, 4। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 4, 3, 2 की फॉर्म में।
अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।